खबर बानसूर से। बानसूर में लगातार चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला बानसूर में एक और सामने आया, जहां बानसूर के घड़िया जोहड़ के पास गरीब बंजारा लुहारों की करीबन 8 बकरियां चोरी कर ली गईं, जिससे बंजारों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लगातार चोरी की घटनाओं से बानसूर की पुलिस पर रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखा जाए तो लगातार बानसूर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कल भी गाँव फतेहपुर में चोरों ने एक किसान के ट्रांसफार्मर को चोरी कर लिया, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। सभी बंजारा लुहारों ने बताया कि बकरियों की वजह से ही उनका जीवन यापन हो रहा था, लेकिन चोर रात्रि के समय में बाड़े में बंधी सभी बकरियों को चुरा कर फरार हो गए। अब कहीं से भी पुलिस उनकी जो गश्त है वो नहीं ठीक से नहीं कर रही है, इसी कारण उनकी बकरियां चोरी हो गई हैं। अब गौरतलब ये है कि एक दिन पहले भी गाँव के में फतेहपुर में 3 किसानों का ट्रांसफार्मर चोरी कर पुलिस चोर ले गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली पड़े हैं। क्या रहा कैसे ये घटना घटी, तो ही थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे साहब। हम तो ना पता ना कैसे घटी, हम तो सो रहे थे, आरे उरे आके सो गए साहब। हमको तो नींद आ गई, 12:30 बजे हमारी सारी 7-8 बकरी सब खोल ली साहब। हमको कुछ ही मालूम ना, हम तो सब हेर हेर के परेशान हो गए। हम तो मंजूरी कर के लिए शाम को जाते, शाम को आते, हम तो सुबह साहब काये हो जाते सर। मंजूरी करते हमको तो टाइम पर खाना भी नहीं खाया जाता है। कितनी बकरियां थी? 7-8 बकरी थी, 8 बकरी थी साहब मेरी। कितने बजे की बात है ये? 12:30 बजे की बात है साहब। 12:30 बजे की बात है। आप क्या चाहते हो आप लोग साहब? मेरी बकरी घर पे लाओ, मदद करो, हम गरीब आदमी साहब। घर में सुबह बकरा चरे गया, हम सब गरीब आदमी, हम क्या करें? हम बकरी का दूध थोड़ा बहुत चाय बना लेते, हमारे पास कोई जमीन ज्यादा तो है नहीं है कोई। सब हम तो गरीब आदमी साहब,